दोस्तों सबसे पहले हम पहुंच गए हैं जितेंद्र जी के घर के बाहर। ये है जितेंद्र जी का कृष्णा बंगलो जो कि जुहू में स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार बंगलो है। आप देख सकते हैं रात के वक्त जितेंद्र जी का बंगला इस तरह दिखाई देता है। जितेंद्र अपने बेटे तुषार कपूर और बेटी एकता कपूर के साथ इसी बंगलों में रहते हैं। आप देख सकते हैं सुबह के वक्त इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। दोस्तों इनका बंगला इतना खूबसूरत था कि मुझे सुबह के वक्त दोबारा आना पड़ा इसको रिकॉर्ड करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये बंगलो है और कितना ऊंचाई तक इस बंगले को बनाया गया है। कुल मिला के जितने भी अभी तक मैंने बंगले देखे सबसे बढ़िया मुझे जितेंद्र जी का बंगला लगा। काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर जितेंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों जुहू बहुत पॉश इलाका है मुंबई का और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जुहू में रहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, धर्मेंद्र हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, इन सभी के बंगलों आपको जुहू में देखने को मिल जाते हैं। अब हम आपको शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले की तरफ ले चलेंगे। ये आप देख सकते हैं हम आ गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले के बिल्कुल सामने और राइट साइड में ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है रामायणा बिल्डिंग, यही है शत्रुघ्न सिन्हा का घर। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ अपनी बेटी सोनाक्षी और बेटे लव कुश के साथ रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार ये बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की सुंदरता देखते ही बनती है। कितना बेहतरीन तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया है, सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है शत्रुघ्न सिन्हा की इतने शानदार घर को देखकर। सच में बॉलीवुड के स्टार्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, चाहे वो लेटेस्ट स्टार हो चाहे वो पुराने स्टार हो, सभी के पास एक से बढ़कर एक घर हैं और घर की सुंदरता देखते ही बनती है। मुंबई ऐसा इलाका है जहाँ पर छोटी सी चोल के लिए भी काफ़ी मोटा अमाउंट देना पड़ता है और आप देख सकते हैं कितने बड़े बंगलों हैं इनके। अब हम आ गए हैं अमिताभ बच्चन के जलसा बंगलों के बाहर। आप देख सकते हैं ये है अमिताभ बच्चन का जलसा बंगलो जहाँ पर अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं साइड से जलसा बंगलो इस तरह दिखाई देता है और अगर फ्रंट से इसकी बात करेंगे तो फ्रंट से इस तरह दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाने की काफ़ी दिक्कत रहती है, वीडियो बनाने नहीं देते हैं, इस वजह से आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की फोटोग्राफ्स क्लिक की हैं। तो अमिताभ बच्चन का बंगला बहुत ज़्यादा शानदार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बेटी और मेरी वाइफ जलसा के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हमने इनके फ़ोटो खींचे हैं। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के लिए यहाँ पर मना कर दिया जाता है। अब हम आ गए हैं अमिताभ बच्चन के दूसरे बंगलो प्रतीक्षा के बाहर। ये जो आप बंगला देख रहे हैं राइट साइड में, ये अमिताभ बच्चन का दूसरा बंगलो है और अमिताभ बच्चन यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। काफ़ी शानदार ये बंगलो है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये बंगलो फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लुक है और कितने बड़े क्षेत्रफल में आप इसको फैला हुआ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन के पास भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अब हम आ गए हैं धर्मेंद्र जी के घर को कवर करने के लिए। आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा है देवल हाउस। यहाँ पर धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और दोनों बेटों के साथ रहते हैं। धर्मेंद्र साहब का बंगला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आप देख सकते हैं कितने बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाने की काफ़ी दिक्कत रहती है। यहाँ जो गार्ड्स होते हैं वो कैमरा देखकर ही बोलने लगते हैं कि भैया कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। इसलिए आप देख सकते हैं इस तरह की हमने फुटेज रिकॉर्ड किया काफ़ी दूर से। ये है धर्मेंद्र साहब का बंगलो जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई देता है और यहाँ पर आप अक्सर धर्मेंद्र जी को टहलते हुए देख सकते हैं। वैसे बॉबी देओल और सनी देओल का अपना अलग अलग घर भी है लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा समय अपने पिता के साथ इसी बंगलों में बिताते हैं। दोस्तों ये जितने भी बंगले मैंने आपको दिखाए हैं चारों बंगले जुहू में स्थित हैं। अगर आप जुहू चौपाटे आते हैं तो आपको इन बंगलों को भी जरूर देखना आना चाहिए, आपको सच में काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ आने के बाद।